Hello everyone, welcome to Profit Buys new video. Today we are going to talk about who will pay for the Ladlas of Maharashtra and further all the Ladlis and Ladlas of India. Who is going to pay for that? योजना तो बहुत अच्छी है एंड महाराष्ट्र के चुनाव ने साबित कर दिया दैट इफ देर इज समथिंग वेयर मनी कांट बाय, क्लियरली इलेक्शंस इज नॉट वन ऑफ देम बिकॉज वेरी क्लियरली यू कैन थ्रो द मनी एंड इट कैन बाय यू अ गुड विक्ट्री. अ गुड विक्ट्री, इट्स अ ग्रेट विक्ट्री, इट्स अ विक्ट्री बाय फार. एंड अगर आप में से किसी को अभी भी लग रहा है कि जनता मुद्दों पे या कोई और जेन्युइन इशू पे वोट करती है, सो वी ऑल कुडंट बी रॉन्ग. मतलब इट्स अ क्लियर केस ऑफ लाड़की बहनाज विक्ट्री एंड ऑल दी अदर योजनाज दैट वर लॉन्च, विच इज वेरी गुड बाय द वे. देखिए, अगर कोई स्टेट को ऊपर आना है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, मेरा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. आप जितनी मर्जी योजना लागू करो, लेकिन उसको फंड कहाँ से करोगे, करोगे कहाँ से? एज अ स्टेट, महाराष्ट्र इज ऑलरेडी रीलिंग अंडर अ डेट ऑफ 7 लाख करोड़, और ये सब योजनाओं जो फ्रीबीज, मुफ्त के रेवड़े जैसे बोलते हैं हमारे प्रधान सेवक, ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये लाभार्थी है. लाभार्थी, जब खुद काम किया जाए तो इसको लाभार्थी बोलते हैं, और जब दूसरे वो काम करें तो इसको कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हो. रेवड़ी न बांटना, न बांटना करके सबसे ज्यादा रेवड़ी योजनाओं के नाम पे तो यहीं पे बटी है. एक्चुअली वो बटेंगे तो कटेंगे, जो था वो इसी के लिए था. रेवड़ियां बटेंगी तो दूसरों के वोट कटेंगे, समझे आप? क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है कि नहीं? एनीवे, हमको क्या फर्क पड़ता है, जो जीते वो जीते, लेकिन मेरे चीते जीत तो गए आप, लेकिन आप फंड करोगे कहाँ से? अनाड़ी को बोलोगे फंड करने को तो आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं तो टैक्स पेयर हूँ, मुझे चाहिए मेरे टैक्सेस सही जगह जाएं, लाभार्थियों को मिले. आपने 1500 रुपए बोले थे, अब 2100 देने पड़ेंगे क्योंकि आपका वो इलेक्शन प्रॉमिस था. मैं बहुत क्लोजली देख रहा हूँ कि मुंबई का टोल जो बंद किया गया था चुनाव के 1 महीने पहले, अब वो कब चालू होता है? शायद बीएमसी इलेक्शन 2-3 महीने में है, तब तक तो चालू नहीं करेंगे. बट आप लोग भी देखिए, सारे टैक्स पेयर्स, ये वीडियो मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों के लिए है. एंड कोई भी स्टॉक इसमें बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं, आप सब हमारे टैक्स वासी हैं, हम टैक्स देते हैं. आज ये बात ऑफिशियल हो गई है चुनाव के नतीजों के बाद, दैट टैक्स पेयर्स के पैसे से ही देश चल रहा है. 20% सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू 2 करोड़ हिंदुस्तानियों के टैक्स से आता है. और अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसकी सरकार है उसकी सरकार है. सी, जो आईएएस ऑफिसर होगा या जो नौकरशाही होंगे, ब्यूरोक्रेसी होगी, उनको तो सरकारों के साथ काम ही करना है ना. वैसे ही हम हैं, हम तो टैक्सवासी हैं या देशवासी हैं. जो भी आएगा, हमको थोड़ी कोई हक है, हमने वोट दे दिया, अपना काम हो गया. अब देखो जो आया उसके साथ निभाओ, अपना काम निकालो. बेसिकली अपने को तो काम निकालना है भाई. अगर मैं कोई नौकर पालता हूँ और उसको मैं सैलरी देता हूँ, तो मुझे तो उससे काम निकालना है ना. सरकार मेरे मालिक थोड़ी है, वो तो हमारे नौकर ही हैं, खुद ही बोलते हैं वो, हम प्रधान सेवक हैं यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स. तो जब उनको सर पे चढ़ाने की जरूरत क्या, अगर वो कुछ काम अच्छा कर रहे हैं तो हम पैसे दे रहे हैं भाई. एंड अगेन, नाउ लेट मी टेल यू वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, कि ये लाड़की बहन और लाड़का भाऊ जो भी है, अब ये सारे स्टेट्स में लागू होगा बिकॉज दिस इज अ विक्ट्री फॉर्मूला. ये तो झारखंड में भी हुआ ही था ना, दूसरी पार्टी को फायदा हुआ. बट अब दिल्ली के चुनाव है, बिहार के चुनाव है, नेक्स्ट ईयर थैंकफुली देयर ओनली 2 स्टेट इलेक्शंस, दिल्ली एंड बिहार. बट ये तो बहुत फ्री में बटेगा, और इस फ्रीबी कल्चर का भुगतान करेगा देश का टैक्स पेयर. अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है, कुछ आंकड़ों के साथ. प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट की ये है ना सेंट्रली, कि आप अपनी गलतियां मान लो ना. हर चीज में आपको बल्ले 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 क्यों करना है भाई? आपका हर डिसीजन तो मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकता ना. आपको आके मान लेना चाहिए दैट मेक इन इंडिया का क्या हुआ 10 साल. वो जो लायन टाइगर, लायन दहाड़ा हुआ शेर था, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ. दूसरी गलती, डीमोनेटाइजेशन. क्या आपने मानी कि वो गलती है? यू आर नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट, खाली आपको हर जगह मास्टर स्ट्रोक. एनी वे, लेट मी शो, मतलब लेट मी टेल यू रादर सम स्टेटिस्टिक्स. सो फॉर कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग, ऑल दीज नंबर्स आर टेकन फ्रॉम अ सोर्स, वेरियस सोर्सेज एक्चुअली, बट प्राइमरली फ्रॉम अनदर यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ द न्यूज मिनट. उनकी रिपोर्ट आज बहुत अच्छी है, और ये क्रेडिट पूरे इस डेटा का उनके एक वीडियो को जाता है जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि वाई फॉरेनर्स आर लीविंग इंडिया.
Now, over 2,16,000 Indians gave up their citizenship in 2023. This number is 60% more than what happened in 2014. यानी पिछले 10 साल में 60%, 60% मोर इंडियंस हैव लेफ्ट द कंट्री, दे हैव गिवन अप द पासपोर्ट. उसमें स्टूडेंट्स भी होंगे कुल मिला के. एंड इंडियंस आर एक्चुअली सेंडिंग मोर मनी अब्रॉड देन एवर बिफोर. एंड गेस व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस, टिप ऑफ पॉइंट क्या था इसका? डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया के करेंसी का बाहर जाना एक्चुअली बढ़ गया है. और मैं आपको बताता हूँ कितना बढ़ा है. ये मेरा डेटा नहीं, ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का डेटा है. हु सेज आउटवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया इज नाउ $31 बिलियन इन 2024. एंड गेस व्हाट, दिस वाज $1.1 बिलियन इन 2014. इसका मतलब आउटवर्ड रेमिटेंस इंडिया के बाहर जो LRS स्कीम है, लिबरल रेमिटेंस स्कीम, उसके तहत जो आउटवर्ड रेमिटेंस देश के बाहर पैसा जा रहा है लीगली प्रॉपर चैनल के थ्रू, वो 31 टाइम्स बढ़ा है. $1 बिलियन था 10 साल पहले 2014 में, अब 2024 में $31 बिलियन हो गया है. दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 2,500%. डिपॉजिट्स गोइंग अब्रॉड जंप फ्रॉम 103 मिलियन टू 916 मिलियन. दैट्स 9 टाइम्स. मेक इन इंडिया पे आते हैं. मेक इन इंडिया जब आया था बहुत अच्छी स्कीम है भाई. देखो, इंडिया में आइडियाज की कमी तो है नहीं, आप जितने बोलो उतने आइडियाज आ जाएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वही तो पूरा गेम है. जिस सख्ती से और जितना फास्ट आपने ये लाड़की बहन योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया, 3 महीने में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स किए. बाकी योजनाएं भी ऐसे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, क्यों नहीं? क्या टैक्स पेयर के लिए आपके मन में कुछ करने के लिए नहीं है क्या? क्योंकि हम लोग वोट बैंक नहीं है ना, हमारे वोटों से आपकी सरकारें नहीं हिलेंगी. दिस इज अ फैक्ट. एनी वे, मेक इन इंडिया वॉज एम्ड टू फॉर 12 to 14% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एवरी ईयर. आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया, द IIP एंड द मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एवरी ईयर इज स्टक एट 4%. कभी वो 5% होता है, कभी 4% होता है, कभी 3.5 होता है. और ये तो सरकारी आंकड़े हैं. इट वॉज सपोज टू बी 12 to 14%. आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया वो 4% पे, जैसा मैंने बताया. मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वर सपोज टू रीच 100 मिलियन जॉब्स. इट वॉज 51 मिलियन इन 2017. और टारगेट था कि 7-8 साल में हम इसको 100 मिलियन यानी डबल कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स. एज ऑफ 2022 द मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आर 36 मिलियन. अब लास्ट 2 साल से वो डेटा देना बंद कर दिया है सरकार ने, तो वो और भी गिरे हैं, इसीलिए ऑब्वियसली बंद हुआ है. लेकिन 51 मिलियन से गिर के 36 मिलियन जॉब्स वॉज सपोज टू गो टू 100 मिलियन. ऑफकोर्स बीच में कोविड आया, सब कुछ हुआ, लेकिन कोविड में इंडिया को सबसे कम नुकसान हुआ था बिजनेस में और मार्केट्स में. बाकी कंट्रीज की कमर टूट गई थी. ऑल दी अदर कंट्रीज हैव कम बैक टू प्री कोविड लेवल्स. अवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेसिकली हैजंट कम इवन क्लोज टू व्हाट आत्मनिर्भर भारत प्रॉमिस टू बी. FDI रोज, ये बहुत अच्छा क्रेडिट है, फ्रॉम $36 मिलियन इन 2014 टू $85 मिलियन इन 2022. बट गेस व्हाट, नाउ इन 2024 इट्स जस्ट $10 बिलियन. And I'm sorry, I take back this point. FDI rose from $36 billion to 2014 to $85 billion in 2022, which is great. उसके बाद वो नीचे गिरा, 85 बिलियन से 71 बिलियन पे आया 2023 में, और 2024 में सिर्फ $10 बिलियन है. ये उस टाइम पे हो रहा है जब हमारे मार्केट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच करके आए हैं, देश में बहुत वाहवाही हो रही है. FDI नेट नेट 10 बिलियन तक गिर गया है, 85 से 10 तक आया है 2 साल. इंडियाज एक्सपोर्ट्स वर 10.2% ऑफ आर GDP इन 2014. नाउ द परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट टू GDP इज एक्चुअली 8.2%. अब आप आर्ग्यू करोगे कि GDP भी तो बढ़ा है. हाँ, GDP बढ़ा है 10 साल ऑब्वियसली, लेकिन उसमें मुझे बताइए ना, सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है भाई? कौन सी सरकारी कंपनी ने अपना केपेक्स बढ़ा दिया है? ये तो प्राइवेट कंपनीज के बदौलत हुआ है. बैंक्स में भी प्राइवेट बैंक्स ने आगे इनिशिएटिव लिया है, प्राइवेट कंपनीज के बल पे. और मोटा भाई, रिलायंस, TCS, इंफोसिस, ये क्या सरकारी कंपनीज है? नहीं. तो GDP बढ़ा है, अग्रीड, बट एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो कीप अप नहीं किया ना. वो 10% से बढ़ के 14-15 पे आना चाहिए था, वो 8% पे हो गया. GDP बढ़ा है, आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े हैं, इनफैक्ट वो कम हो रहे हैं कंपेयर टू विज़ा विज़ द GDP. नाउ लेट्स टॉक अबाउट
चाइना, द एलिफेंट इन द रूम, हमको कोविड के टाइम बोला गया था चाइना से कुछ नहीं लेना है जी, इम्पोर्ट बंद कर दो। मेरे यहाँ पे एक आंटी रहती थी, उसको नया फोन लेना था, स्मार्टफोन। उसने बोला हमारे सोल्जर्स को ये लोग परेशान कर रहे हैं सियाचिन में, मैं चाइना से ओप्पो वीवो कुछ नहीं लूँ। ठीक है, सब हुआ। हकीकत तथ्य ये है, इंडियाज एनुअल एक्सपोर्ट्स टू चाइना आर 17 बिलियन डॉलर्स, इंडियाज एनुअल इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना आर 101 बिलियन डॉलर्स। वी हैव अ नेट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट ऑफ 83 बिलियन डॉलर्स। हम ज्यादा उससे इम्पोर्ट करें, और ये तो ऑफिशियल इम्पोर्ट है। अनऑफिशियल इम्पोर्ट जो वाया वाया नेपाल से होता है, बांग्लादेश से होता है, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। ऊपर से चाइनीज कंपनीज ने मेक्सिको में और हांगकांग में अपने सब्सिडरीज खोल रखे हैं, तो वहां से जो वो लोग इंडिया में माल डंप करते हैं वो चाइना का ही माल है। लेकिन बिकॉज वी हैड स्टॉप ट्रेडिंग विद द चाइनीज फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स, तो वो वहां से जो आ रहा है वो भी चाइनीज इम्पोर्ट ही है जो हम कर रहे हैं, मेक्सिको से और हांगकांग से और चाइना के जो शेडो कंट्रीज है वहां से, अफ्रीका भी उसमें है, अफ्रीकन कंट्रीज। ये सब अगर आप गिनोगे तो 150 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट तो कुल मिला के हम चाइना को ही फायदा दे रहे हैं। टिकटॉक आप बैन कर दिए, आत्मनिर्भर भारत की बात कर दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन फायदा किसको हो रहा है और क्या हो रहा है वो आप क्लियरली देख रहे हो दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम, जब भी आप एक कमिटी बनाओगे एंड इफ यू रैंक कि कहाँ से क्या हो रहा है हमारे टैक्स पेयर के मनी के साथ, तो वैसे ही हमारा पैसा बड़ी मुश्किल से सही जगह लग रहा था। अब ये लाड़का लाड़की लाडली लाडला सब आ गया, अब इसमें भी अगर हमारा ही पैसा जाएगा, मेरे पास एक सोल्यूशन है। आई एम नॉट लाइक दो स्टूपिड बिजनेस जर्नलिस्ट जो सिर्फ इश्यूज को उठाएगा। मैं हमारे माननीय प्रधान सेवक जी को अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। मेरा सोल्यूशन ये है कि अभी तो आपको अच्छा खासा मैंडेट मिल गया है, महाराष्ट्र ने आपको क्या बहुमत दिया है भाई, ऐसा बहुमत पाने के लिए तो हमारे स्टेट के बड़े से बड़े नेता कुछ भी करने को तैयार हो जाए लिटरली। नाउ यू हैव फुल रीजन, नाउ द लीस्ट यू कैन डू इज हेल्प द टैक्स पेयर्स, इंसेंटिवाइज देम टू पे मोर टैक्सेस। कैसे? सबसे पहले तो अपना दोस्त जो है ना अनाड़ी, अनाड़ी को बोलो सारा लाड़का लाड़की लाड़का सब वो स्पॉन्सर करे। अगर उसको अपने केस धुलवाने हैं यूएस में, अगर उसको अपनी इमेज क्लीनिंग करनी, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? 1 लाख करोड़ का डेट है, वैसे भी वो डेट में है कंपनी, उसको बोलो बाहर जाके लड़े मरे, बॉन्ड्स इश्यू करे। हम क्यों भरे, टैक्स पेयर क्यों भरे ये पैसा? सरकार की योजना है, सरकार को फंड का इंतजाम करना चाहिए, एंड अनाड़ी से बेटर कौन होगा ये करने के लिए? दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जितने भी हमारे टैक्स पेयर हैं उनके पास ITR रिटर्न्स का फॉर्म होता है या कंफर्मेशन होता है, जो आप बड़े मजे से ग्रीन कलर में भेजते हो, वो ITR रिटर्न का फॉर्म जब कोई टैक्स पेयर पेट्रोल भराने जाए या शॉपिंग करने जाए, उसको फ्लैट 10% डिस्काउंट दे दो अपने शॉपिंग पे, पेट्रोल पे। दैट इज द लीस्ट यू कैन डू। प्राइवेट ब्रांड्स पे नहीं दे सकते, सरकारी ब्रांड्स पे दे दो 10 क्या 20% दे दो, कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी सरकारी ब्रांड खरीदता कौन है? जो खरीदेगा भूले भटके उसको डिस्काउंट दोगे तो आप इंसेंटिवाइज ही कर रहे हो ना। एक ITR लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाने में तो कौन सा? आप लोग तो माहिर है, उसका नाम रख देना ना प्रधानमंत्री टैक्स पेयर योजना 2.0, रख देना उसका अच्छे से नाम। कौन सी बड़ी, आप नामकरण में तो माहिर है आप लोग, वो एक अलग डिपार्टमेंट होगा आपका सब हैशटैग नामकरण के लिए। एनीवे, एंड द थर्ड पॉइंट इज एक मेडिक्लेम का जो ऑफर है, जैसे जो जितना टैक्स भर रहा है उसका 100 टाइम्स उसको मेडिकल कवर आप फ्री में कर दो। एटलीस्ट अगर कोई सपोज किसी ने साल का 25,000 का टैक्स भरा है, तो 100 टाइम्स ऑफ दैट इज 25 लाख, थोड़ा ज्यादा हो गया, तो कम से कम चलो 10 टाइम्स कर दो, 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम साल का, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा उसको नहीं करना है, क्योंकि आपने साल में 25,000 का टैक्स दिया है। जिसने 1 लाख का टैक्स दिया उसका 10 लाख का मेडिक्लेम। मेडिक्लेम कोई भी एवे क्लेम करने तो नहीं जाएगा ना, वो तो मजबूरी में जाएगा अगर उसको चाहिए। सो इफ द गवर्नमेंट कैन ओनली डू दीज 2-3 कॉस्मेटिक चेंजेस, आई थिंक इट विल इंसेंटिवाइज मोर पीपल टू कम आउट एंड पे टैक्सेस। और ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर, ऑनरेबल टैक्स पेयर की तरह कह रहा हूँ कि ये सब डूएबल, ऑल दिस इज डूएबल, दिस इज नॉट सम क्रूकेड सोल्यूशन। आई एम श्योर इफ यू कैन डोल आउट स्कीम्स लाइक लाड़का लाड़की एंड ऑल ऑफ दैट जैज, सो आपके अंदर एक डिपार्टमेंट होगा कि फंड कहाँ से करना है। अब आप लोग सब जो ये वीडियो देख रहे हो ध्यान रखना, अगर इन्होंने टैक्सेस बढ़ाए बजट 1 फरवरी, अगर डायरेक्ट टैक्स कोड में कुछ भी हेरा फेरी हुई और अगर टैक्सेस बढ़े
तो एटलीस्ट महाराष्ट्र की जनता को कोई हक नहीं है किसी को कुछ बोलने का, क्योंकि आप ही लोगों ने इनको वोट दिया है, आप ही लोग इनको चुन के लाए हो। तो अब ये योजनाओं का भुगतान अगर आपको लग रहा है सरकार करेगी, तो मेरा एक्सपीरियंस तो कहता है कि ये टैक्स पेयर के ऊपर ही आएगा। आपको क्या लगता है, आप कॉमेंट्स में जरूर डालिए। एंड दिस इज नॉट अ वीडियो फॉर गेनिंग पॉलिटिकल माइलेज, इसको आप एक टैक्स पेयर के नजर से देखिए। लर्न टू इवॉल्व योर पॉलिटिकल व्यूज बेस्ड ऑन, अगर आप टैक्स पेयर नहीं है, अगर आप लाभार्थी हैं, फुल रिस्पेक्ट है आपके लिए, लेकिन अगर आप देश में 10 रुपए का भी टैक्स देते हो, जीएसटी तो सब भरते हैं, हम भी भरते हैं, आप भी भरते हैं, हमारी लाडली बहनाएं भी जीएसटी तो भर ही रही है ना, जीएसटी थोड़ी उनको माफी मिली है, तो इनडायरेक्टली आप इनडायरेक्ट टैक्स तो भरते ही हो। तो सबके हित में ये बात है कि अनाड़ी को बोलो स्पॉन्सर करे सारी देश की सारे पॉलिटिकल पार्टीज की योजनाएं, अगर उसको वाकई में इस देश में अपना कामकाज करना है, जो आप जानते हो ये लोग कभी करेंगे नहीं। और दूसरा जो मैंने सुझाव बताया उस पर गौर करके देखिए, द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज वी विल हैव टू फिगर आउट वेयर ऑल दीज फ्रीबीज आर गोना टेक अस एंड कौन से स्टॉक्स इससे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। जैसे सरकारी कुछ कुछ कंपनीज हैं विच विल बी इम्पैक्टेड बाय ऑल ऑफ दिस, वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।